नमस्कार, मैं प्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जीओबी पीवीटी को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की सुर्खियों की ओर। अप्रैल महीने से सरकारी जमीन पर से हटाए जाएंगे अतिक्रमण। पंचायत के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2 साल में बनेगी पर्याप्त कक्षाएं। आने वाले सालों में बिहार को मिल सकती है बाढ़ से निजात। बिहार बोर्ड 12वीं टॉपर की कॉपियों की जांच हुई शुरू। इस बार गर्मी तोड़ सकती है पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अप्रैल महीने से सरकारी जमीन पर से हटाए जाएंगे अतिक्रमण। ये कोई नई बात नहीं है जब आम लोग सरकारी जमीनों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, लेकिन इसे लेकर सरकार भी अपना अभियान शुरू कर चुकी है और इसके साथ ही सरकार राज्य में सभी जिलों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए अप्रैल महीने से अभियान चलाना शुरू कर देगी। इसको लेकर सरकार सभी जिलों को 10-10 लाख रुपए मुहैया करवाएगी। इसके लिए विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने लगभग 1332 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि पास हो चुका है। जमीन मापी के लिए अब गांव में किसी के जमीन का नक्शा नहीं मांगा जाएगा और न ही किसी को किराए पर नक्शा लेना पड़ेगा। प्रत्येक मौजे में 2-2 नक्शे रहेंगे। आने वाले सालों में बिहार को मिल सकती है बाढ़ से निजात। बारिश के दिनों में बाढ़ से परेशान बिहार के लोगों को अब जल्द ही इससे निजात मिलने की उम्मीद बढ़ती दिखाई दे रही है। अब अधिकारियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जल संसाधन विभाग ने राज्यों में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसे बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीम्स नाम दिया गया है। इस नए सिस्टम के बारे में अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसके लिए बीते दिन विभाग में कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। आपको बताते चले कि बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को पटना के बाढ़ प्रबंधन ने तैयार किया है। इसमें नदियों के गुणों और तटबंधों की स्थिति के आंकड़ों की जानकारी एक साथ उपलब्ध होगी। अब मोबाइल से ही बंद और चालू कर पाएंगे नलकूप। देश दुनिया के साथ साथ बिहार में भी अब डिजिटलीकरण की तरफ ये तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कृषि को क्यों पीछे छोड़ना। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी नलकूप अब अत्याधुनिक फीचर से लैस होने वाले हैं। ये नलकूप के फोन के माध्यम से ही बंद और चालू हो जाएंगे। यही नहीं, मुख्यालय में बैठे अधिकारी बैठे बैठे नलकूप की खराबी और पानी के जल स्तर के बारे में भी पता कर सकते हैं और उन्हें ये भी पता चल सकेगा कि नलकूप से रोज कितनी मात्रा में पानी का खपत हो रहा है। इसी के साथ ही हर जिले के एक नलकूप को स्काटा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इसमें ये व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि नलकूपों को मोबाइल से जोड़ने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। 7 साल में भी नहीं पूरी हुई लेक्चरर की नियुक्ति। बिहार सरकार इधर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर ध्यान दे रही है, तो वहीं उधर विश्वविद्यालयों में लेक्चरर की नियुक्ति की रफ्तार सुस्त है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आज से 7 साल पहले साल 2014 में ही 3,350 लेक्चरर के पद भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 2022 आने तक भी पूरी नहीं हो पाई है। विश्वविद्यालयों में 4,644 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 2019 में विज्ञापन निकला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें भी लेट हुआ। बिहार के विश्वविद्यालयों में तेजी से प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने बताया कि कोविड की वजह से दिक्कतें हुई हैं, लेकिन उम्मीद है कि 1 महीने में आधे से अधिक विषयों का साक्षात्कार कर लिया जाएगा। बिहार बोर्ड 12वीं टॉपर की कॉपियों की जांच हुई शुरू। बिहार बोर्ड इंटर की कॉपियों की जांच खत्म हो चुकी है। इसी के साथ अब टॉपर्स की कॉपियों की जांच भी शुरू हो चुकी है। बिहार बोर्ड की टीम बीते दिन मुजफ्फरपुर जिला पहुंची और निर्धारित बार कोड के अनुसार कॉपियों को जांच के लिए ले गई है। इसी के साथ बिहार बोर्ड ने मूल्यांकन केंद्र निदेशक को केंद्र पर मौजूद रहने के लिए कहा है। इसी के साथ प्रैक्टिकल की कॉपियां और सैद्धांतिक विषय की कॉपियां एक साथ मंगाई गई है और ऐसे 98 अलग अलग विषय की कॉपियों की जांच भी की जाएगी। ये सभी कॉपियां उन छात्रों की है जिन्होंने परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और इनसे अब बिहार बोर्ड अपने स्तर पर जांच करेगा। इस बार गर्मी तोड़ सकती है पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। प्रदेश भर में पछुआ हवा का प्रवाह निरंतर जारी है। मार्च मध्य आते आते धूप ने अपने तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। धूप निकलते ही लोगों को गर्मी सताने लगी है। मौसम विभाग की माने तो मार्च में ही राजधानी पटना का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा। वहीं अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस बार की गर्मी पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2021 में 31 मार्च को पटना का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
भारत और नेपाल के बीच करोड़ों में होने वाला कारोबार लाखों में सिमटा। भारत और नेपाल का संबंध रोटी और बेटी जैसा है। हजारों की संख्या में इन दोनों देश के लोगों के बीच शादियां भी होती हैं। खासकर बिहार का जोगबनी और नेपाल का विराटनगर दोनों देश के लोगों से पटा रहता था, जिसकी वजह से करोड़ों में कारोबार भी होता था। ये सभी जानते और मानते हैं, लेकिन समय के साथ साथ सब कम होता दिखाई दे रहा है। महज 2020 और 2021 में शादी विवाह में 90% तक की गिरावट आई है। 2-3 साल पहले दोनों देश की सीमा से सटे बड़े बाजारों में प्रतिदिन करोड़ों का कारोबार होता था, अब लाखों में सिमट गया है। कस्टम एके दास कहते हैं, जहां तक व्यवसाय प्रभावित होने की बात है तो इंडियन एक्सपोर्टर और नेपाल इंपोर्टर के बीच समन्वय रहता है। इस समन्वय के आधार पर ही किसी तरह का समाधान फिलहाल निकाला जा सकता है। पंचायत के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2 साल में बनेगी पर्याप्त कक्षाएं। राज्य के सभी 8,386 पंचायतों में खोले गए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अगले 2 साल में पर्याप्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि इन कक्षाओं को बनाने में करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस योजना को राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में चल रहे बजट सत्र से सदन में बोलते हुए कहा है कि हर पंचायत में खोले गए प्लस टू स्कूल में 10वीं और 11वीं की पढ़ाई शुरू तो हो गई, लेकिन पर्याप्त कक्षा नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि टीईटी एसटीईटी अभ्यर्थियों को थोड़ा सब्र करना होगा। विधानसभा चुनाव के बाद शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हफ्ते भर में शुरू कर दी जाएगी। अपनी 13 सूत्री मांग को लेकर एक दिन के अवकाश पर रहे विश्वविद्यालय के कर्मचारी। बिहार विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी बीते दिन अपने 13 सूत्री मांग को लेकर के, जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, वेतन का समय पर भुगतान करने, सप्तम वेतन के वेतनांतर का भुगतान, रिटायरमेंट की उम्र सीमा 62 से 65 साल, संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मियों की सेवा नियमितीकरण, वेतन विसंगति निराकरण, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को लागू करना, राज्यादेश को लागू करना आदि को लेकर एक दिन के लिए अवकाश पर है, जिसकी वजह से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कामकाज ठप रहा। कर्मचारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी 5 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने किया नई यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से अपनी नई यात्रा की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कार्यक्रम 12 से 14 मार्च तक चलेगा। उन्होंने आज मोकामा विधानसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम मोकामा, घोसवरी और पंडारक प्रखंडों में रहा। समाज सुधार यात्रा के दौरान उन्होंने अपने मित्रों और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने की बात कही थी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय तक बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के सांसद भी रहे थे। सीएम 13 और 14 मार्च को भी अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। 17 मार्च को सीएम अपने गृह जिले में समाज सुधार अभियान के क्रम में जाएंगे। भाजपा ने किए विधान परिषद चुनाव के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की घोषणा। बिहार में होने वाले विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा ने भी अपने 12 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। मालूम हो कि जदयू और भाजपा में सीटों के बंटवारे में 13 भाजपा के कोटे में तो वहीं 12 जदयू के कोटे में सीटें गई थी, जिसमें से भाजपा ने अपने हिस्से की एक सीट रालोजपा को दे दी। ऐसे में अब भाजपा ने भी अपने 12 प्रत्याशियों का नाम बीते दिन घोषित कर दिया है। घोषित उम्मीदवारों में 5 राजपूत, 4 वैश्य, 2 भूमिहार जबकि 1 ब्राह्मण समाज से हैं। आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले जदयू ने भी अपने 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। इन सीटों पर 4 अप्रैल को चुनाव होना है। मणिपुर में जीत दर्ज करने वाले 6 जदयू विधायक ने सीएम से की मुलाकात। देश के कुल 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। यहां भी भाजपा का दबदबा देखने को मिला। 5 में से 4 राज्यों पर कब्जा भाजपा करने में सफल हो पाई है। साथ ही बिहार की जदयू पार्टी ने भी मणिपुर में कुल 6 सीटों पर अपना धाक जमाया। मणिपुर जदयू के ये 6 विधायक बीते दिन इसी कड़ी में पटना पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते देखे गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बुके देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ललन सिंह भी मौजूद रहे और ललन सिंह ने कहा कि ये जदयू के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हमारे लिए खुशी की बात है कि जदयू ने बिहार के बाहर मजबूती से कदम रखा है। ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में जदयू जल्द ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी। तेजस्वी यादव ने कहा, राजद के लिए किए गए कामों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि राजद द्वारा किए गए कामों को मिटाने की कोशिश चल रही है। राजद मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में अमर शहीद जुब्बा सहनी के 78वें शहादत दिवस पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि गैर बराबरी और भेदभाव मिटाने के लिए जो काम राजद सरकार में हमारे माता पिता ने किया उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। हमें इससे सचेत रहना होगा। हमारे पिता ने गरीबों को सम्मान दिया, अपनाया और बसाया। वहीं नीतीश सरकार के कार्यकाल में गरीबों को उजाड़ने की कोशिश की गई। धोबीघाट से लेकर मछली सहित रैन बसेरा को उजाड़ कर गरीबों को शोषित और बेसहारा बनाया जा रहा है। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने
इंडिया पवेलियन में स्टील फ्लोर का किया उद्घाटन। दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन में स्टील फ्लोर का उद्घाटन बीते दिन केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने किया। इसके साथ ही 11 मार्च से 17 मार्च तक एक्सपो में इस्पात सप्ताह का शुभारंभ किया गया। वहीं इस आयोजन में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत शीर्ष इस्पात उत्पाद भी भाग ले रहे हैं। इसके बाद भारत के इस्पात क्षेत्र में निवेश के लिए रामचंद्र प्रसाद सिंह कुछ उद्योग सीईओ के साथ उन्हें आमंत्रित करने के लिए निवेश बैठक भी करेंगे। इस्पात सप्ताह के दौरान स्पेशलिटी स्टील के लिए 6322 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पर एक विशेष सत्र निर्धारित किया गया है, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल देश के प्रमुख देश का दौरा भी करेंगे। हैमिल्टन के मैदान में स्मृति मंधाना ने तोड़ा रिकॉर्ड। हैमिल्टन में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतक जड़कर स्मृति मंधाना ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महिला वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड मंधाना ने अपने नाम कर लिया। इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने इसी वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ 108 रनों की पारी खेली थी। स्मृति ने इससे पहले आईसीसी महिला विश्व कप 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 106 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अब मंधाना पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे शतक जड़े हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुनु कुमार, ललन पासवान, संध्या देवी, मृत्युंजय कुमार, अमलेश कुमार, रामाशीष पासवान, अजीत कुमार, बिट्टू, प्रियम कुमारी, धर्मवीर भक्त। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बाढ़ से निजात दिलाने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है उससे आप संतुष्ट या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।